हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल पे। तो आज हम आपके लिए खंसारी का ब्लाउज लेके आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यहाँ पे हम सारे ड्राफ्टिंग अपने अस्तर पे करेंगे और अस्तर को इस तरह से हम खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको हम इस तरह से लंबाई में 2 फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे उतना ही फोल्ड करेंगे जितनी हमारी ब्लाउज की चेस्ट है। तो यहाँ पे हमने 12.5 इंच पे फोल्ड किया है, 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे 7 इंच पे और इसके आर्म होल भी हम 7 इंच ही ले लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम अपने चेस्ट पे निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से। और ये जो भी एक्स्ट्रा है 2.5 इंच, तो हम इसको ऐसे ही बढ़ा देंगे। तो ये हम अपना जो बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये 2.5 इंच पे इस तरह से एक घुमाव दे देंगे यहाँ पे हम आर्म होल पे। तो अब इसके बाद में यहाँ पे हम चेस्ट पे निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगा के इस तरह से इसको सीधा कर दिया है। अब इसकी हाइट देख लेंगे हम यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 14 इंच की हाइट चाहिए। तो यहाँ पे हमने 14 इंच पे इस तरह से निशान बना दिया है और उसको सीधा कर दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम अपने पीछे के प्लेट्स पे निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो 10 इंच पे हम निशान लगाया था उसी का आधा कर लेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हमने 5 इंच पे निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट पे निशान लग गए हैं। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट पे निशान लगाएंगे। तो जहाँ से हमने ये आर्म होल लिए थे वहीं पे हम 7 इंच का निशान इस साइड को लगाएंगे और यहाँ पे 10 इंच पे हम इस तरह से अपना चेस्ट का निशान ले लेंगे। तो जैसे कि बैक पार्ट में हमने 2.5 इंच पे यहाँ पे कर दिया था, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे ही दे देंगे और यहाँ पे इस तरह से हम इसे घुमाव दे देंगे इस तरह से। तो इस साइड का हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम अपने चेस्ट पे निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे और नीचे की साइड में हम यहाँ पे 8 इंच रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस पट्टी का निशान बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम 12.5 इंच पे एक निशान बनाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 12 इंच का अपर पार्ट रखा है। तो अब इसके बाद में ऊपर से हम अपने टक्स पॉइंट पे निशान लगा देंगे 10 इंच पे। तो इस पे निशान लगाने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो इस टोटल ब्लाउज को हमें 14 इंच रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इसकी क्रॉस पट्टी का। जहाँ से हमने 12 इंच लिया है वहाँ से हम 4.5 इंच को इसको नीचे ले लेंगे और 1/2 इंच हम ऊपर से इस तरह से घुमाव दे देंगे। तो अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे ये तिरछा निशान देंगे हम। तो इन सारे निशानों में 2-2 इंच का गैप रहना चाहिए। अब जहाँ से हमने आर्म होल किए थे वहाँ पे एक हमें तीसरा निशान लगाना है और यहाँ से ऊपर से हमें 7 इंच पे गला रखना होता है। तो हम गले का इस तरह से निशान लगा देंगे और इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने गले का बॉक्स बना लिया है। अब हमने इसे घुमाव दे के यहाँ पर हमें गोल गला बनाया है। तो अब यहाँ से अभी हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो इस तरह से हमारे ऊपर के जो 4 टक्स हैं ये निशान लग गए हैं। तो अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो अगर हम इस तरह से ब्लाउज कट करेंगे तो ये देखिए बीच का कपड़ा है हमारा जो आर्म होल से निकला है वो सेफ निकल गया है। अब यहाँ बीच से हमें दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेना है।
अब यहाँ पे हमें अपनी क्रॉस पट्टी अलग करनी है। क्रॉस पट्टी कट करने के बाद यहाँ पे हम अपना नेक कट कर देंगे। तो हमें ब्लाउज को फ्रंट ओपन चाहिए, तो इसलिए हमने इसे बीच से कट कर दिया है। अब जो हमारा साड़ी का पीस है, ये सारे जो भी हमने कट किए हैं इस पे रखे अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने अपने जो अस्तर था जैसे हमने कट किया था वैसे हमने इसे रखे हुए सारे अपने पार्ट कट कर लिए हैं। देखिए तो ये हमारे हमने यहाँ पे नॉर्मल स्लीव कट किए हैं और इस तरह से हमने सारे पार्ट अच्छे से कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अस्तर और कपड़े को आपस में इस तरह से मिलाना है और चारों तरफ इसे सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा अस्तर और कपड़ा आपस में सेट हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो ये देखिए यहाँ पे, अब हम इसे कट कर लेंगे। इसके जो साइड का कपड़ा है चारों तरफ से इसे हम फिनिशिंग दे देंगे। तो ये देखिए, हमने अस्तर और कपड़े को अच्छे से चिपका लिया है। तो दोनों को ही हमने इस तरह से, अब हमें क्या करना है, जो हमने निशान लगाए थे तो अब हमें उसे दूसरे पार्ट पे भी लेना है। तो इसको हम अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे और इस तरह से उल्टा रखेंगे इसको और यहाँ पे थपथपा के दूसरी साइड भी सेम निशान ले लेंगे। तो हमारे निशान इधर उधर नहीं होंगे, अगर हम अलग से लगाएंगे तो फिर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, एक साइड के अलग और एक साइड के अलग। तो अब इन्हीं निशानों को पकड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। टक्स पॉइंट में हमें ये ध्यान देना होता है कि ये जो हमारे जो पॉइंट है हमें उतने ही रखने हो, दो दो इंच का गैप रखना होता है। तो अगर हम ज़्यादा ऊपर तक लेके आएंगे तो वो चौंस से निकल के बहुत गंदे लगते हैं। तो बीच में हमें दो दो इंच का गैप रखना बहुत ज़रूरी है ये फोर टक्स ब्लाउज में। इस तरह से, तो अब यहाँ पे हम चारों टक्स अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने चारों टक्स प्लेस अच्छे से लगा ली है। अब यहाँ पे हम इसकी क्रॉस पट्टी लगाएंगे। तो अस्तर की पट्टी को हमें नीचे रखना है और जो फैब्रिक की पट्टी है वो हमें ऊपर रखना है। तो जो हमने यहाँ पे प्लेट्स लगाई थी उस कपड़े को हमें बीच में रखना है। तो इस तरह से हमारी चोर सिलाई हो जाएगी और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो जब हम इन पट्टियों को सीधा करेंगे तो जो हमारी सिलाई है वो अंदर की साइड में चली जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने पट्टी जो लगाई थी वो अब इस तरह से हम सीधा करेंगे और जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे, क्योंकि हमने जो प्लेट लगाई थी 1.5 इंच की इसकी वजह से ये पट्टी यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रही है। तो इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें नापना है कि हमें 14 इंच का ही ब्लाउज रखना है। तो यहाँ पे हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसको हम इस तरह से पलट देंगे। हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम कपड़ा कट करते हैं तो अस्तर जो नीचे का पट्टी होता है ना उसको हमें 1/2 इंच को कपड़े को एक्स्ट्रा कट करना होता है अगर आप उसी को मोड़ना चाहते हैं तो, नहीं तो आप अगर अलग से पट्टी लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम काज पट्टी लगाएंगे। तो काज पट्टी हमेशा हम कपड़े की लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 इंच की पट्टी कट की है और इसको हम इस तरह से लगा देंगे। तो जो हमारी काज की पट्टी होती है वो लेफ्ट साइड की होती है, तो अब इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो इस पट्टी को हमें 1 इंच बाहर की तरफ इस तरह से निकालते हुए सिलाई लगानी होती है।
तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी जो कुक पट्टी है उसको अच्छे से लगा दिया है और यहाँ पे डबल सिलाई दे दी है। अब हमें ऐसे ही अपना दूसरा पार्ट तैयार करना है। तो ये देखिए हमने बराबर यहाँ पे 14.5 इंच का हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो बन के तैयार हो गया है। तो ऐसे ही हमने ये दूसरा पार्ट भी अच्छे से तैयार कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी पट्टी है जो हमें इस कपड़े की लगानी है, मतलब अस्तर की लगानी है, क्योंकि ये अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएगी, इसको हमें बाहर से नहीं दिखाना है। तो इस पट्टी पे हमें हुक लगाना है। तो हुक की पट्टी जो होती है हमेशा राइट साइड में होती है और लेफ्ट, और जो कांच की पट्टी होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होती है। तो इसको हमें अंदर ही फोल्ड कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे बाद में हम हेमिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो फ्रंट पार्ट है अच्छे से तैयार हो गए हैं दोनों। तो अब हमें इसे गले की पट्टी लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा आरमोल से कपड़ा निकला था उसको हमें तिरछा इस तरह से कट करना है और इसमें से हमें पट्टी निकालनी है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच की पट्टी कट की है क्योंकि हमें इसको अंदर फोल्ड करना है। तो इसमें से हमें पट्टियाँ काट कर लेनी है, क्योंकि जब हम बड़ा ब्लाउज बनाते हैं तो कपड़े को एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें इधर से उधर जो भी कपड़ा निकलता है हमारे आर्म होल में या गले में, तो उसी को हमें सेट करना होता है चारों तरफ, जो भी पट्टियाँ हमारी लगती हैं। तो ब्लाउज में पट्टियाँ भी बहुत लगती हैं। तो अब हमें इसको इस तरह से गले पे अटैच करना है। अब हमें इसको इस तरह से अंदर से फोल्ड कर देना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। बाद में हमें इसमें हेमिंग कर देनी है। तुरपाई करने से गले का जो लुक है बहुत अच्छा आ जाता है। तो गले पे तो हमें तुरपाई करनी ही पड़ती है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में पट्टी लगा ली है। तो हमारा फ्रंट साइड अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमें अपने बैक पार्ट को तैयार करना है। तो ये देखिए जो बॉर्डर था हमने बैक पार्ट में नीचे ले लिया है। अब इसको भी हम इसे इस तरह से इस पर रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद इसे अब हम कट कर लेंगे। इसको जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके सब निकाल देंगे और फिनिशिंग दे देंगे अच्छे से। पीछे के पार्ट को हमने अस्तर और कपड़े के अच्छे से चिपका दिया है। अब हम इसको इस तरह से टू फोल्ड करेंगे और यहाँ पे नेक का निशान बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर 3 इंच से और नीचे इसकी हाइट हमने 10 इंच ले ली है। अब इसको हम गोल कर देंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमें गोल गला ही बनाना है। तो इस गले को हम बकरम पे बनाएंगे। तो जो निशान हमने कपड़ा पे लगाया था गले पे, वही निशान के हिसाब से यहाँ पे हम कट कर लेंगे 10 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई के साथ। अब इसको हम एक कपड़े के ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए इसको हम किनारे से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है अच्छे से बन गया है। अब इसे हम अपने बैक पार्ट पर अटैच करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगाना है जो निशान हमने बनाए थे, ये देखिए यहाँ पे वहीं पे। और इसको 20 पार्ट इसका ले लेना है मिडल का, और इसका भी हमें मिडल पार्ट ले लेना है। दोनों को आपस में अच्छे से मिला के यहाँ पे हमें पिन लगा देना है। और इसके किनारे पे हमें इस तरह से गोल करते हुए सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम बीच का कट करके निकाल देंगे। अब इसके बीच में हम छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसको पलट के हम सीधा कर देंगे। तो ये आसानी से सीधा हो जाए इसके लिए हमें इस पट्टी के ऊपर पूरा सिलाई लगा देना है, ताकि पट्टी हमारी अंदर की साइड दब जाए अच्छे से, उसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है।
आप ऐसे सीधा करेंगे तो एकदम सीधा हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे हम एक मोटी सिलाई लगा देते हैं और बाद में इसे हम हेमिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा गला बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसकी प्लेट लगा देनी है बैक की, तो जो हमने निशान बनाए थे उसी पे रख के इस तरह से हम प्लेट बना लेंगे अच्छे से। तो हमें फ्रंट का पार्ट अच्छे से नापना है कि कहाँ से हमें फोल्ड करना है। तो अब हमें इसे नीचे की साइड से फोल्ड कर लेना है। हम यहाँ पे हमेशा 1 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा कट करते हैं। जब भी हम अस्तर कट करते हैं तो अस्तर से हमें कपड़े को 1 इंच हमेशा ज़्यादा कट करना रहता है, तो हम उसी को फोल्ड कर देते हैं। हम अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसके शोल्डर को अच्छे से अटैच कर देंगे दोनों साइड के। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने अपने शोल्डर को अच्छे से अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, ये इसमें पहले से ही इसमें बॉर्डर दिया है, तो इसके लिए हम इसी को अटैच करेंगे। खन साड़ी में सबसे ज़्यादा बॉर्डर का ही महत्व होता है, तो इसलिए हम इसके बॉर्डर को ख़राब नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कपड़ा है कम है, तो इसको हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हमें इसको अटैच कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पे हमने बराबर बराबर इस तरह से रख लिया है 20 से। अब 20 से इसे हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ऐसे ही हमने अपने अस्तर पे भी किया है, वहाँ पे भी हमने थोड़ा सा कपड़ा जोड़ लिया है। तो देखिए हमें इस तरह से रखना है कि हमें अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जो इसकी सिलाई थी वो हमने अंदर कर दी है, और इसको इस तरह नीचे से हम जैसे फोल्ड कर देंगे। अब इसको इस तरह से अच्छे से रखेंगे। और यहाँ पे हमें देखना है कितनी बाजू चाहिए, तो यहाँ पे हमें 5.5 इंच की बाजू चाहिए, और सिलने के बाद हमें यहाँ पे सिर्फ 5 इंच की बाजू चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इन्हें छाट दे देंगे 1/2 इंच का यहाँ पे फ्रंट साइड में। अब इसे हम अटैच कर देंगे बीच से रखते हुए इस तरह से। इधर हमने छाट दिया था वो हमें फ्रंट में रखनी होती है। तो हमें हमेशा स्लीव को बीच से अटैच करना रहेगा, ताकि हमारे जो स्लीव्स हैं टेढ़ी मेढ़ी किधर भी कपड़ा कम ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव्स अच्छे से अटैच कर ली हैं। अब हम इसकी फिटिंग दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बाजू से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जो स्लीव्स की फिटिंग है वो 14 इंच है, तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। और जो चेस्ट की फिटिंग है वो 40 इंच है, तो इस हिसाब से हमने 10 इंच पे निशान लगा लिया है। जो यहाँ पे नीचे कमर की फिटिंग है वो यहाँ पे हमारी 36 इंच है, तो यहाँ पे हमने 9 इंच भी निशान लगाया है। सारे निशान हमें पूरा ब्लाउज सिलने के बाद एक बार लगाने होते हैं, ताकि एकदम परफेक्ट ब्लाउज की फिटिंग हमारी आ जाए। क्योंकि सिलते समय हमारा कपड़ा थोड़ा सा इधर उधर होता है, जिससे कभी कभी ब्लाउज ढीला हो जाता है, कभी तो कभी टाइट भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में अच्छे से फिटिंग दे दी है। तो देखिए हमारा ब्लाउज बन के एकदम तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।